अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन वेजिटेबल पास्ता। इसके लिए आपने सबसे पहले एक पैन लेकर उसमें 1 कप ऑयल डालना है, फिर उसमें आपने 1 टेबलस्पून लहसुन डालना है और उसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर 1 पाव चिकन डालना है और फिर उसको भूनना है। चेंज हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर एक छोटी दरमियानी कटी हुई प्याज डाल देनी है। जब चिकन और प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर आपने उसके अंदर एक छोटा बंद गोभी का फूल काट के डालना है, 2 आलू डालने काट के, 2 शिमला मिर्च काट के डालनी है, 4 अदद गाजर लेके उनको कद्दूकस करके ऐड कर देना है। फिर इन तमाम चीजों को आपने आपस में मिक्स करना है। फिर इसमें आपने 1 कप पानी डालना है और उसको कुक होने के लिए 10 मिनट्स के लिए रख देना है। आपने 6 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है, फिर 2 टेबलस्पून सिरका डालना है, फिर 1 छोटा चिकन कनौर क्यूब वो आपने ऐड करना है इसके अंदर, फिर 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर केचप का डालना है। इन तमाम चीजों को आपने दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डालना है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालना है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है, 1 टेबलस्पून जीरा और धनिया पाउडर डालना है। फिर तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से भूनना है। इसके बाद आपने इसके अंदर बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देना है और फिर तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक बहुत ही डिलीशियस और यमी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों में। एंड में आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून ओरिगैनो ऐड करना है, उसके बाद आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब्स के डालने हैं। फिर आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 8 मिनट के लिए दम पर रख देना है। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनीज रेडी हो गई हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।